तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 3 लिस्ट न्यूली लॉन्च 5G मोबाइल अंडर 10,000। तो दोस्तों, आप अगर ढूंढ रहे हो बजट फ्रेंडली एक 5G मोबाइल जो आपको 10,000 के अंदर मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। यहाँ पर मैंने इंडिया की बेस्ट 5G मोबाइल को चूज किया जो सिर्फ मिलता है 10,000 के अंदर। और दोस्तों, ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो एकदम न्यूली टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कौन कौन सी डिवाइस, क्या क्या फीचर मिलेगा, प्राइस कितना होगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों, इस लिस्ट की सबसे पहली डिवाइस है मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला G34 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। और इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट 5G मोबाइल है। यहाँ पे आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं ओनली 10,000 के अंदर। तो क्या कुछ मिलता है, एक एक करके सभी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो काफी प्यारा सा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिलेगा जो काफी प्रीमियम फील देगा इस डिवाइस को। और पे बात करें फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश। हाँ दोस्तों, 10,000 के अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये डिवाइस काफी पावरफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। और मुझे इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात लगी, इस डिवाइस में आपको 13 5G बैंड मिल जाएगा जो इंडिया की सभी 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, वही पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट में 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया, जो भी इस डिवाइस को काफी यूनिक मानता है इस प्राइस पॉइंट पे। वहीं पे बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों, इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 वर्जन पे रन होगा, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, ये डिवाइस IP53 की रेटिंग के साथ आने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही देख सकते हो फीचर आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे अच्छे मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो प्राइस वो 11,000 रहने वाले लॉन्चिंग टाइम पे, पर मैक्सिमम टाइम आपको कोई भी सेल पे 10,000 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 10,000 पे आप कभी भी खरीद सकते हो। तो इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, तो आप इसे जरूर ले सकते हो देखने के लिए। तो दोस्तों, ये डिवाइस है Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi 13C 5G, जहाँ पे आपको 10,000 के अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो एक एक करके इसी की सभी फीचर को जान लेते हैं क्या कुछ मिलने वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलने वाला 90Hz के रिफ्रेश रेट विद 450 नीट पीक ब्राइटनेस। दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको काफी अच्छी कैमरा भी मिलने वाले। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों, वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा सा एक प्रोसेसर है। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 12 5G सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब इस डिवाइस पे आप दोनों ही 5G सिम यूज कर सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, 128GB+ 4GB, 128GB+ 6GB और 256GB+ 8GB। उसके साथ साथ जो वर्चुअल रैम के सपोर्ट है वो भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप आपके रैम को मल्टीपल कर सकते हो। वहीं पे बात करें OS की, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 रन होता हुआ मिलेगा। दोस्तों, बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। और वहीं पे दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसके जो बेस वेरिएंट है 4GB+ 128GB, उसकी प्राइस 11,000 है। और यहाँ पे कोई भी सेल आता है तो 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम टाइम, तो इसकी प्राइस अंडर 10,000 तक आ जाता है। और नॉर्मल टाइम पे इसकी प्राइस 11,000 रहता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप जरूर ले सकते हो, काफी अच्छा सा एक डिवाइस है।
तो दोस्तों ये डिवाइस है पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च पोको M6 जो एक 5G डिवाइस है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, जब आपको 600 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट जो 6nm पे बेस है और ये 5G चिपसेट है। वहीं पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08 एमपी का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग, तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों इस मोबाइल की पर्सनल मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी कलर, यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरियंट ब्लू। मुझे जो ओरियंट ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों ये तो क्या इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में तो इसकी जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 10,500 है। और दोस्तों यहाँ पे लॉन्च सेल पे आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस बोर्ड 9,500 हो चुका है। और इस प्राइस पॉइंट पे ये एक काफी अच्छा सा एक 5G डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो 10,000 के अंदर एक 5G डिवाइस तो इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे डिवाइस है, ये उनमें से काफी अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड करता है।